Good morning, students. Last time we discuss about centrifugal pump. और हमने इसमें देखा था कि work done और उसका अपना velocity triangle diagram types भी देख लिए थे. तो हमने last time work required by impeller देख लिया था, that is VW to U2. क्योंकि हम ये मानते हैं कि inlet रेडियल होता है इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. और लास्ट जो डेरिवेशन हमने किया था वो था इट इज VW टू U2 माइनस VW1 U1. और यहां पर मेरे पास कुछ क्वांटिटीज आ गई थी, जैसे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को इंपल्स इफेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट एंड देन डिफ्यूजन और रिएक्शन इफेक्ट. तो उसके आगे चलते हैं. और सेंट्रीफ्यूगल पंप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम ये मान रहे हैं कि इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑलवेज वी टेक एट इनलेट द फ्लो इज रेडियल, जो कि मैंने अभी देखा था. इफ फ्लो इज रेडियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 90 डिग्री एंड VW1 इक्वल्स टू 0. सी हियर अल्फा इज 90 डिग्री क्योंकि रेडियल फ्लो है. V1 इक्वल्स टू VF1 एंड दिस इज U1, दिस इज VR1. तो VW1 वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी 0. आगे चले तो अल्फा 90, VW1 अगर 0 है तो वर्क डन पर सेकंड क्या हो जाएगा मेरा m डॉट VW टू U2. VW1 वाली जो टर्म है वो हट जाएगी. और यहां पर एक और हम डेरिवेशन करते आ रहे हैं, दैट इज वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट एंड इट इज गिवन बाय VW टू U2 अपॉन में G. पर यूनिट वेट है तो दैट इज mg वेट, दैट इज इक्वल्स टू mg. सो m और m क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ g. तो रेडियल इनपुट लेना है, वर्क डन पर सेकंड इक्वल्स टू m डॉट VW टू U2 इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल. अब मैं आगे चला, दैट इज टाइप्स ऑफ ब्लेड. इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइप्स ऑफ ब्लेड का. तो ब्लेड का जो टाइप है वो 3 टाइप की हो सकती है, दैट इज फॉरवर्ड कर्व्ड, रेडियल कर्व्ड और बैकवर्ड कर्व्ड. तो फॉरवर्ड कर्व्ड ब्लेड में मैंने देखा कि फाई विल बी ग्रेटर देन 90. इफ फाई विल बी ग्रेटर देन 90 देन क्या होगा, प्रेशर राइज इज हाइएस्ट. इस केस में हमें प्रेशर राइज हाईएस्ट है बट इफिशियंसी इज वेरी लो, पावर कंजम्पशन इज हाई. तो जब मुझे प्रेशर राइज ही चाहिए, मान लो मेरी एक कंडीशन है कि यहां पर मुझे प्रेशर राइज ही हाई चाहिए, तब मैं फॉरवर्ड कर्व को यूज लूंगा. समटाइम्स कंस्ट्रेंट अवेलेबल होता है, वहां पर फिर हम ना पावर देखते हैं ना इफिशियंसी देखते हैं, तब हम फॉरवर्ड कर्व यूज करते. जनरली इन केस ऑफ पंप हम फॉरवर्ड कर्व ब्लेड नहीं यूज करते. देन बैकवर्ड कर्व, बैकवर्ड कर्व में फाई इज लेस देन 90 डिग्री. अगर फाई लेस देन 90 है तो प्रेशर राइज लेस होगा, इफिशियंसी इज गुड. तो जहां पर मुझे इफिशियंसी फैक्टर रखना है वहां पर मैं फाई को लेस देन 90 रखूंगा. तो जनरली हम क्या करते हैं, रेडियल ब्लेड लेते हैं, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू 90, प्रेशर राइज भी गुड होता है और इफिशियंसी इज ऑल्सो गुड. सो रेडियल ब्लेड्स पे जाते हैं जिसमें फाई 90 डिग्री होता है इनलेट पे, आउटलेट पे, सॉरी इनलेट पे तो रेडियल लेते ही है, ये कंडीशन है आउटलेट की. उसके बाद मेरे कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स दैट इज एच और क्यू के बीच में. एच विल बी योर हेड, अभी हेड पे डिस्कशन बचा हुआ है, इसके बाद मैं हेड पे ही आऊंगा. एच विल बी योर हेड, क्यू विल बी योर डिस्चार्ज. तो अगर ब्लेड फॉरवर्ड है, फाई इज 90 डिग्री देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, रेडियल देन फाई इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, बैकवर्ड फाई इज लेस देन 90 एंड इट इज स्ट्रेट लाइन एंड इट इज गिवन बाय क्यू. एच और क्यू का वेरिएशन दिया है, जैसे जैसे क्यू आगे बढ़ेगा हेड कम होगा बैकवर्ड के केस में, फॉरवर्ड के केस में हेड ज्यादा होगा. और हेड लगभग कॉन्स्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंट लगभग इसलिए बोलते हैं कि एग्जैक्टली तो हमें कॉन्स्टेंट नहीं मिलता बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती. वहीं पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखा पावर का डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो फॉरवर्ड रेडियल एंड बैकवर्ड. अब ये देखते हैं आता कैसे. तो जब मैं आगे बढ़ा
ये आउटलेट ट्राइंगल मैंने बनाया फाई बीटा वी एफ टू वी टू वी आर टू एंड सो ऑन। तो एच एच विल बी वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन में जी, क्योंकि जब मैंने पावर पर यूनिट वेट लिया है तब मुझे पता चला है कि दैट इज द यूनिट ऑफ योर हेड, दैट इज एच। तो एच इज गिवेन बाय वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन में जी। फिर यहां से मैंने वी डब्ल्यू टू की वैल्यू को पुट किया एच में, तो मेरा हो गया यू टू माइनस वी एफ टू कॉट फाइव इंटू यू टू अपॉन में जी। क्यू मुझे पता है एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो ए टू वी एफ टू, तो यहां से मैंने वी एफ टू की वैल्यू निकाल दी। यहां से एच को सेपरेट किया तो पहली टर्म हो गई यू टू स्क्वायर अपॉन में जी, दैट यू टू इंटू यू टू अपॉन में जी, दैट इज यू टू स्क्वायर अपॉन में जी। वी एफ टू की जगह मैंने रख दिया क्यू अपॉन में ए टू, और साथ में एक यू टू है तो क्यू इंटू यू टू अपॉन में ए टू इंटू जी कॉट फाइव। नाउ यू टू अपॉन में ए टू जी एक कॉन्स्टेंट है जिसको मैं मान रहा हूं के टू, और यू टू स्क्वायर अपॉन में जी भी एक कॉन्स्टेंट है जिसको मैं मान रहा हूं के वन। सो एच का क्यू के रिस्पेक्ट में यहां पर वेरिएशन मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फाइव। तो एच और क्यू, क्यू की पावर वन है यानी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, और फाई की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे एच और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फॉरवर्ड के लिए, फिर बैकवर्ड के लिए और रेडियल के लिए। ठीक है, अब पावर, पावर इक्वल्स टू रो जी क्यू एच, सो रो जी इज कॉन्स्टेंट, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू एच, और एच की वैल्यू मैंने रखी के वन प्लस के टू इंटू क्यू। तो यहां पर मुझे वेरिएशन क्या दिखा, क्यू स्क्वायर दैट इज पैराबोलिक कर्व। तो यहां पर देखिए जो कर्व बने हैं वो पैराबोलिक बने, कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन केस ऑफ पावर डिस्चार्ज, इन केस ऑफ हेड डिस्चार्ज इट इज रेडियल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब पावर के केस में मैंने निकाला तो ये तीनों चीजें फॉरवर्ड रेडियल और बैकवर्ड के लिए मुझे पता चल गई। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफिशियंसी। अभी तक इस पर डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी थी, अब मैं उस कंडीशन पे हूं कि जब मैं इफिशियंसी को डिफाइन भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी इफिशियंसीज इसके साथ क्लब होती है। द फर्स्ट वन इज शाफ्ट पावर। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने पावर सप्लाई की शाफ्ट को, शाफ्ट से पावर गई इंपेलर तक, तो मेरा पावर क्या हो गया, पहली पावर जो मैंने दी है जैसा कि हमने हाइड्रोलिक टरबाइन में देखा था, यहां पर भी वैसे ही देखेंगे। सबसे पहले क्या किया, जैसा कि हाइड्रोलिक टरबाइन में था, सबसे पहले मेरे पास था हेड अवेलेबल, दैट इज ग्रॉस हेड, उसके बाद में आगे बढ़ता गया। ठीक है, यहां पर मेरे पास सबसे पहले क्या अवेलेबल है इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इट इज शाफ्ट पावर। तो शाफ्ट पावर से मैं गया इंपेलर पावर पर, इंपेलर पावर से मैं गया मैनोमेट्रिक हेड पर, और मैनोमेट्रिक हेड से मैं गया स्टैटिक हेड तक। तो शाफ्ट पावर से इंपेलर पावर, शाफ्ट पावर और इंपेलर पावर सेम होती अगर वहां पर कोई मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते। अगर मैकेनिकल लॉसेस नहीं दिए हैं तो देन इट इज शाफ्ट पावर इक्वल्स टू इंपेलर पावर, पर मैकेनिकल लॉसेस अगर दिए हैं देन शाफ्ट पावर एंड इंपेलर पावर आर डिफरेंट। एंड इंपेलर पावर इज गिवन बाय वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन में जी, इन टर्म्स ऑफ हेड ही हम बात करेंगे अब, वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन में जी। वैसे पावर क्या होती है, वी डब्ल्यू टू यू टू, ठीक है, इन टू एम डॉट, अगर पर यूनिट वेट की बात नहीं करूं तो। तो दैट इज इंपेलर पावर। अब इंपेलर पावर से मैनोमेट्रिक पावर तक गया, यानी ये जो इंपेलर पावर इन टर्म्स ऑफ हेड है अब वो कन्वर्ट हो गई मैनोमेट्रिक हेड में। अगर वहां पर कोई लॉसेज नहीं है तो ये सेम है, अगर वहां पर लॉसेज हैं, और वो लॉसेज कौन से होंगे, दैट इज हाइड्रोलिक लॉस। कौन से होते हैं, एडी, फ्लो, लीकेज, फ्रिक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, यहां पर बियरिंग, कनेक्टिंग एंड गियर आर मैकेनिकल लॉसेज। अब ना मैनोमेट्रिक हेड, जो एक्चुअल हेड डेवलप किया इस पंप ने, वही मिलना चाहिए था, बट फिर कुछ लॉसेज हो जाते हैं, तो जो नेट हेड मुझे मिलता है दैट इज स्टैटिक हेड कैपिटल एच, वो सेम होगा मैनोमेट्रिक हेड के अगर वहां पर कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होंगे, अदरवाइज इट इज लेस देन मैनोमेट्रिक हेड इफ देयर इज फ्रिक्शन लॉस। तो स्टैटिक हेड वही आपको पता है, स्टैटिक हेड इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड सरफेस इन द सम्प एंड द टैंक फ्रॉम टू विच वाटर इज डिलीवर्ड। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, जो सम्प और टैंक जहां पर मुझे पहुंचाना है वहां तक
का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इट इज स्टैटिक हेड जो मुझे मिलती है, ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय एच एस प्लस एच डी, छोटा एच एस प्लस स्मॉल एच डी, एच एस विल बी सक्शन हेड, एच डी विल बी डिस्चार्ज और डिलीवरी, इन दोनों का टोटल सम इज गिवन, इज गिवन बाय स्टैटिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड जो कि टोटल हेड डेवलप बाय द पंप, टोटल हेड डेवलप बाय द पंप टेक इन फ्रिक्शन इन द इन अकाउंट। अगर फ्रिक्शन नहीं लेगा तो स्टैटिक और मैनोमेट्रिक क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, बट मैनोमेट्रिक हेड विल बी एच एस प्लस एच एफ एस, नाउ एच एफ एस इज फ्रिक्शन लॉस इन सक्शन पाइप, एच डी प्लस एच एफ डी दैट इज फ्रिक्शन लॉस इन डिस्चार्ज पाइप, प्लस वी डी स्क्वायर बाय टू जी इफ देयर इज अनदर लॉसेस, वो भी हम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक हेड देंगे क्योंकि वेलोसिटी का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बर्नौली लगाकर वो फाइंड आउट कर लेंगे अगर कुछ है तो। एच एफ एस एच एफ डी विल बी फ्रिक्शन लॉस इन सक्शन एंड डिस्चार्ज। तो इंपेलर पावर क्या हुई अभी मेरी, मैनोमेट्रिक हेड हो गया, स्टैटिक हेड हो गया, इंपेलर पावर क्या, नाउ इंपेलर पावर विल बी योर मैनोमेट्रिक हेड प्लस हाइड्रोलिक लॉसेस, दैट इज मैनोमेट्रिक हेड प्लस हाइड्रोलिक losses. तो impeller power is given by VW2 U2 upon mg in terms of head, that is equals to HM plus hydraulic losses in terms of head. ठीक है, तो HM will be given by VW2 U2 upon mg minus HL. HL will be your head loss. ठीक है, तो HM का एक formula क्या हो गया, VW2 U2 minus upon mg minus HL if HL is given, और उसको निकालने का तरीका दिया होता। Now pump को मैं लेता हूँ और इस पे बर्नौली अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो P1 इधर है, P1 V1 और Z1 दैट इज डेटम प्रेशर वेलोसिटी, बीच में पंप है, आउटपुट विल बी P2 V2 और Z2 दैट इज डेटम। मैंने इनपुट क्या दिया पंप को, दैट इज इंपेलर पावर V2 VW2 U2 अपॉन में G इन टर्म्स ऑफ हेड, और मेरा हेड लॉस हो गया इसलिए आउटपुट नहीं मिला, अगर हेड लॉस नहीं होता तो सेम हो जाता। तो इनपुट कंडीशन क्या हो गई मेरी, That is P1 upon में rho g जब बर्नौली apply कर रहा हूँ तो plus V1 square by 2g plus Z1 plus input is VW2 U2 upon में g, that will be equals to P2 upon में rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus head losses, ठीक है। Now HM will be given by VW2 U2 upon में g minus HL, तो यहां से मैंने VW2 U2 upon में g minus HL की value निकाली, that is given by HM and it is also given by that is the sum of P2 upon my rho g plus V2 square by 2g plus Z2 minus P1 upon my rho g plus V1 square by 2g plus Z1, that is the Bernoulli's। तो HM निकालने के दो तरीके हो गए, VW2 U2 upon my g minus HL और Bernoulli से भी हम HM निकाल सकते हैं। Now efficiency, ये क्यों discuss कर रहे हैं, क्योंकि हमें efficiency find out करना, manometric efficiency। जब मैं गया अपने diagram पे जो कि मुझे याद होना चाहिए, जब भी किसी की इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी विल ऑलवेज बी आउटपुट अपॉन में इनपुट इन सेम यूनिट, ये हमेशा याद रखिए। मैनोमेट्रिक हेड एक आउटपुट है, इनपुट क्या हो गया इंपेलर पावर, तो इफिशियंसी क्या हो गई मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, इट इज द रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड बाय द इंपेलर टू द टोटल हेड गिवन टू द इंपेलर। सो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इज गिवन बाय मैनोमेट्रिक हेड अपॉन में हेड एट इंपेलर, तो एफिशिएंसी विल बी HM, HM इज मैनोमेट्रिक हेड और VW2 U2 अपॉन में G विल बी योर हेड एट इंपेलर, तो मेरा मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज गिवन बाय GHM अपॉन में VW2 U2। मैकेनिकल एफिशिएंसी, सो इट इज द रेशियो ऑफ इंपेलर पावर टू शाफ्ट पावर, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी विल बी इंपेलर पावर अपॉन में शाफ्ट पावर, इंपेलर पावर इज गिवन बाय it is not in terms of head, then it is m dot vw2 u2 upon my shaft power, and the overall efficiency is given by it is the ratio of manometric head to shaft head, that is manometric head to shaft head। agar main impeller power ka numerator and denominator mein product karta hu to manometric head upon my impeller power into impeller power upon my shaft power, so overall efficiency is also given by manometric efficiency into mechanical efficiency, and the formula is rho g q h m, that is manometric head, to jo power mujhe mili that is rho g q h m upon my shaft power, that is in terms of power, that is in terms of head।
सो इट इज ऑल अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप, जहां पर हमने उसकी इफिशियंसी देखी, वर्क इनपुट देखा, ब्लेड देखा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखा. थैंक यू.